हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल BS ऑनलाइन मेडिसिन में, जहां आपको मिलती है दवाइयों के बारे में सही और संपूर्ण जानकारी। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इथामसाइलेट टेबलेट के बारे में, जो कि ब्लीडिंग को रोकने के लिए बहुत अच्छी दवा है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जानेंगे इस टेबलेट का प्रयोग किन किन कंडीशंस में किया जाता है, इसको लेने के बाद क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, इसका डोज क्या है और क्या प्रेगनेंसी में इस टेबलेट का यूज किया जा सकता है। इस टेबलेट के बारे में संपूर्ण जानकारी लेने के लिए वीडियो को पूरा देखें। चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं इथामसाइलेट के बारे में। दोस्तों, इथामसाइलेट टेबलेट और इंजेक्शन फॉर्म दोनों में मिल जाएगा, बट आज के इस वीडियो में हम टेबलेट फॉर्म के बारे में जानेंगे। दोस्तों, इथामसाइलेट इस टेबलेट का जेनरिक नेम है और बहुत से ब्रांड नेम मार्केट में अवेलेबल हैं, जिनमें से कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम हैं एच स्टेट, इथासाइल, इथामसिप, और हो सकता है इनके अलावा आपके एरिया में किसी और ब्रांड नेम से मिल जाए, बट इसका जेनरिक नेम इथामसाइलेट ही रहेगा। दोस्तों, यह टेबलेट 250 मिलीग्राम और 500 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में मिल जाएगी। आगे बात करेंगे इसके प्रयोग के बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो या अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, इथामसाइलेट टेबलेट का प्रयोग ब्लीडिंग को रोकने के लिए किया जाता है। जैसे अगर किसी कारण से नाक से खून बह रहा हो, किसी एक्सीडेंट के कारण खून ना रुक रहा हो, किसी ऑपरेशन या सर्जरी के वक्त अधिक खून बह रहा हो, किसी चोट के लगने पर खून बह रहा हो, पीरियड्स के वक्त अधिक ब्लड आ रहा हो, तो भी इस टेबलेट का प्रयोग किया जा सकता है। मतलब किसी भी आंतरी या बाहरी खून रिसाव को रोकने के लिए इस टेबलेट का प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं इस टेबलेट का सेवन प्रेगनेंसी में किया जा सकता है या नहीं। तो दोस्तों, प्रेगनेंसी में इस टेबलेट का सेवन खुद से नहीं करना चाहिए, अपने डॉक्टर या नर्स से कंसल्ट करने के बाद ही किया जा सकता है। इन सभी के अलावा कई बार क्या होता है, गर्भ अवस्था में किसी कारण से ब्लीडिंग होने लगती है। यह ब्लीडिंग लेडीज को कभी भी हो सकती है, 3 मंथ्स के बाद या 7-8 महीने के बाद भी यह प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ लेडीज को तो यह प्रॉब्लम इतनी अधिक हो जाती है कि अबॉर्शन या डिलीवरी करनी पड़ सकती है। तो अगर ऐसी सिचुएशन में ब्लीडिंग हो रही हो तो भी इस टेबलेट का इस्तेमाल किया जाता है, अपने डॉक्टर या नर्स के एडवाइस के अनुसार। यदि डोज की बात करें तो अडल्ट को यह टेबलेट 500 mg दिन में 2 से 3 बार खाना खाने के बाद दे सकते हो, और बच्चों को यह टेबलेट 250 mg में देनी होगी। अगर साइड इफेक्ट्स की बात करें तो कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे रशस होना, जी मिचलाना, चक्कर आना, वॉमिटिंग या डायरिया की प्रॉब्लम हो सकती है, या इसके अलावा कोई और भी साइड इफेक्ट दिखे तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और अगर आपके मन में इस दवा से रिलेटेड कोई भी सवाल या शंका हो तो हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। धन्यवाद दोस्तों।